अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है इंदौर से। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंदौर उज्जैन का दौरा है आज, तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंदौर का एक महत्वपूर्ण दौरा। 4 बजे महाकाल की शाही सवारी में शामिल होंगे सिंधिया। जिस तरीके से उनकी परंपरा रही है अंतिम शाही सवारी में शामिल होने की सिंधिया परिवार की, उसी का आज निर्वहन करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इंदौर में बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कई बड़े नेताओं से आज मुलाकात करेंगे। रात 8 बजे सुमित्रा महाजन के घर जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। रात 9 बजे कैलाश चतुर्वेदी से भी मुलाकात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो एक महत्वपूर्ण दौरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, साथ ही शाही सवारी के जो है दर्शन का लाभ लेंगे, शाही सवारी में शामिल होंगे। अपने परिवार की जो पारंपरिक है प्रक्रिया, उसका निर्वहन यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया जाएगा। परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाही सवारी में शामिल होंगे, महाकाल के दर्शन पूजन करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंदौर उज्जैन का दौरा है, काफी महत्वपूर्ण दौरा, जहां एक तरफ वो शाही सवारी में शामिल होंगे, उनका जो परंपरा रही है उनके परिवार की उसका निर्वहन करेंगे, वहीं दूसरी तरफ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, तो काफी महत्वपूर्ण दौरा। किस तरीके की तैयारी इंदौर और उज्जैन में देखी गई है उनको, उनके स्वागत को लेकर भी? जी, वो बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार इंदौर आ रहे हैं, और उनका जो दौरा पहले इंदौर का जो तय हुआ था उसमें भी बार बार बदलाव हो रहे हैं, 2 बार बदलाव हो चुके हैं अभी तक। पहले वो बीजेपी दफ्तर में नहीं जाने वाले थे, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि उन्हें बीजेपी दफ्तर में भी जाना पड़ेगा, और जो मंत्री के घर वो जाने वाले थे, उषा ठाकुर के घर, पर्यटन मंत्री के घर, वो दौरा उनका वहां से हटाया। सांसद के घर जाने वाले थे पहले, फिर वहां से भी उनका इनकार हुआ, और वो सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन और शायद रमेश मेंदोला का जो कल तक हट गया था कार्यक्रम, वो शायद आज फिर जुड़ गया है, क्योंकि रमेश मेंदोला सांवेर के प्रभारी हैं, जहाँ तुलसी सिलावट चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि सिंधिया के अनन्य भक्त हैं, अनन्य समर्थक हैं जी। तो इसलिए शायद ये दौरे में उन्होंने, उसमें थोड़ा बहुत राजनीतिक फुट भी है इस दौरे में, कि वो उस हिसाब से बार बार बदलाव हो रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि इसमें एक चीज और सामने आएगी कि जो सिंधिया के साथ जो कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए, उसमें कई बड़े नेता, यहाँ तक कि शहर कांग्रेस के जो 13-14 साल तक अध्यक्ष रहे वो भी बीजेपी में आ गए हैं, प्रमोद टंडन, तो इन सबका भी क्या ट्रीटमेंट रहता है बीजेपी के साथ या बीजेपी का इनके साथ, वो भी एक देखने वाली बात होगी इसमें। इसके दौरे पे सबकी नजर है जी, बिल्कुल, इस दौरे पर खास तौर से सबकी नजर है। और जिस तरीके से रमेश मेंदोला की नाराजगी की खबरें भी आ रही थी, अब उनका क्या कुछ इस तरफ रुख है, और सिंधिया के दौरे को लेकर अभी क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये जरूर है कि पिछले 2-3 कार्यक्रमों में रमेश मेंदोला जा नहीं पाए थे, जो तुलसी सिलावट के लिए सामेर पे आयोजन किए गए थे लड्डू वितरण वगैरह का, लेकिन उसकी वजह शायद ये थी कि उनके लोकल बहुत प्रोग्राम थे रमेश मेंदोला के, तो इसलिए भी शायद वो नहीं जा पाए। लेकिन सीधी, हालांकि वो उतनी शिद्दत से अभी सामेर में उनकी उपस्थिति थोड़ी कम हो गई जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, तो शायद उसकी भरपाई के लिए भी हो सकता है सिंधिया इंदौर आ रहे हो, कि जो छोटी मोटी नाराजगी वो मिनिस्टर नहीं बनाए जाने से या कोई और वजह से, तो शायद उसकी भरपाई के लिए हो सकता है आज उनकी मुलाकात के बाद बर्फ थोड़ी पिघले, ये भी पॉसिबल है जी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, जिस तरीके से खबरें इस तरीके की निकल के आई थी पहले कि रमेश मेंदोला की नाराजगी सामने आ रही है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो अपने कार्यक्रमों में बिजी थे जिसके चलते वो शामिल नहीं हो पाए थे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज जो सिंधिया इंदौर पहुंचेंगे उसके बाद कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, और साथ ही शाही सवारी के दर्शन भी करेंगे, शाही सवारी में शामिल होंगे, अपने परंपरा का निर्वहन करेंगे।